आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे नवनीत सेकेरा की। मैं बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जिनकी कहानी बताने लायक होती है, बहुत इंस्पायरिंग होती है, उन सबकी बायोग्राफी आपके सामने लेके आता हूं। नवनीत सेकेरा की बात करें तो क्या कमाल का शानदार करियर रहा है। ये सुपर कॉप है, इनको सुपर हीरो भी बोला जाता है। इनकी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, इनके ऊपर तो बाकायदा मूवी बन सकती है और बन भी रही है, शायद वेब सीरीज तो ऑलरेडी बन चुकी है। इनकी कहानी बिल्कुल फिल्मी है। स्ट्रगल, इमोशंस, कॉमेडी, ट्रेजेडी और फिर लड़ाई। लड़ाई तो जबरदस्त, 60 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं दोस्तों, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि एनकाउंटर किया है तो इसका मतलब ये बड़े खतरनाक है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही भावनात्मक इंसान, इमोशनल इंसान, इमोशंस पे काम करते हैं, बहुत ही बैलेंस इंसान। इनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब मेरठ से नवनीत सिकेरा का आई एम सॉरी मैंने सिंह बोल दिया, नवनीत सिकेरा का ट्रांसफर किया गया था तो बकायदा पोस्टर लगवा दिए गए थे कि इनको वापस लेके आइए। लोग पुलिस स्टेशन नहीं जाते थे, इनके ठिकाने पे जाते थे। और अगर सिकेरा साहब पुलिस स्टेशन में नहीं हो तो लोग रिपोर्ट भी नहीं लिखवाते थे, इनको डायरेक्ट बोलते थे। लोगों के मसीहा थे ये। मुजफ्फरनगर, वेस्ट यूपी जो क्राइम का गढ़ था, बहुत सारे गैंग्स चलते थे, एक एक को साफ कर दिया था। गुंडे अपना ठिकाना बदल देते थे सिकेरा साहब का नाम सुन के। तो ऐसा है सर का कुछ वर्चस्व। और अब तो बहुत मोटिवेशन देते हैं ये, काफी लेक्चर्स इनके अवेलेबल हैं, आप जरूर देखिएगा, काफी इंस्पायर करते हैं ये। और कोई भी फरियादी इनके पास आता है तो कभी भी खाली हाथ नहीं भेजते। कमाल की कहानी है दोस्तों। IITian, इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पुलिस सर्विस जॉब करूं, पुलिस सर्विस में जाऊंगा, क्योंकि इनको लगता था वो मेरे बस की है ही नहीं, और कभी सोचा ही नहीं था। इनको टेक्निकल चीजों में इंटरेस्ट था, मैथ्स इनकी बहुत अच्छी थी, IIT इनको मिला था, बहुत गरीबी में जीवन जिया। लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी मेहनत से सब कुछ बदल दिया। तो आज हम इनकी बायोग्राफी को देखेंगे, कमाल की स्टोरी, इंस्पायरिंग स्टोरी, लाइफ चेंजिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर जाकर पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। यूपीएससी के पेन ड्राइव कोर्सेज हमारे वेबसाइट से आप अवेल कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, पढ़ने का ज्यादा साधन नहीं, दिक्कत, पिताजी किसान, किसानों के परिवार से आते हैं, तो ठीक ठाक, बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, एक मिडिल क्लास परिवार था, लेकिन पढ़ाई की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, है ना। लेकिन मशीनों से बहुत ज्यादा लगाव था। तो जहां ये पढ़ते थे, पहले ये पेड़ के नीचे पढ़ते थे, जो पूरी क्लास लगती थी, कोई बकायदा बहुत बड़े कॉन्वेंट स्कूल में आज तक सिकेरा पढ़े ही नहीं, ये पेड़ के नीचे पढ़ते थे, जो पहले होता था गुरुकुल, जो गांव में आज भी देखेंगे, ऐसे एक ब्लैक बोर्ड होता है और पेड़ के नीचे पढ़ाई होती है, ठीक है, और वो टीचर पढ़ा रहा होता, तो वैसा था। तो एक बार क्या हुआ था कि इन्होंने अपने टीचर जी, इनकी लूना से, अपनी लूना से आते थे, लूना चलती थी ना, वो मोपेड टाइप की होती थी, तो उससे आते थे वो, तो इनको मशीन से बड़ा लगाव था, कोई भी मशीन थी उसको खोल खाल देते थे, देखने लगते, तो ये लूना को देखने लगे। अब इनके टीचर ने सोचा कि ये शायद कुछ शैतानी कर रहा है, तो इनके टीचर ने निकाली संटी और इनको मारना शुरू किया, बहुत मारा। लेकिन फिर इन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं एक लूना लूंगा अपने जीवन में। खैर ये तो बहुत छोटा सपना था। जो बहुत बड़ा इवेंट इनकी लाइफ में आया, ये डिसाइड करना कि अब मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। हिंदी माध्यम के छात्र थे ये, और बहुत टाइम तक हिंदी इनके साथ रही। इनफैक्ट जब ये IIT में भी गए तब भी इनको थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वहां सब कुछ इंग्लिश में और ये पूरा हिंदी, लेकिन इन्होंने मेहनत की और इंग्लिश सीखी। और ये तो बताते हैं कि जब कनाडा में गया था कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, तो वहां पे मैंने कुछ क्लासेस भी ली थी, तो पहले मैं मैथ्स की क्लासेस लेता था, उसके बाद मैं इंग्लिश पढ़ाने लगा, वहां पे इंग्लिश की भी क्लासेस ली। तो एक इंसान को हिंदी नहीं आती और वो सोच सकते हैं कि इंग्लिश क्लासेस ले रहा है, तो अपनी कमजोरियों पे, जो इनकी कमजोरी थी, उन सब पे पार पाया मेहनत से। तो यहां पे हिंदी मीडियम के थे, लेकिन ये सवाल बहुत अच्छा पूछते थे, ये पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। तो टीचर्स, कुछ ऐसे टीचर्स थे जो इनको बड़ा सपोर्ट करते थे, तो उन्होंने इनके पिताजी से बोला कि आपका लड़का काफी अच्छा है पढ़ने में, आप इसको कहीं अच्छी जगह ले जाइए, इसको पढ़ाई करवाइए, बहुत अच्छा निकलेगा, प्रॉस्पेक्ट है ये। तो उसके बाद इनके पिताजी इनको एटा ले गए, और एटा में इन्होंने पढ़ाई की, शुरुआती पढ़ाई जो थी वहां पे इन्होंने पढ़ाई की। और वहां पे जब इन्होंने स्कूल में गए, ये तब इन्होंने सिक्स क्लास से, तो ए फॉर एप्पल, ABCD इन्होंने सिक्स क्लास से सीखी, मतलब जो लोग नर्सरी में सीखते हैं
वो इन्होंने सिक्स्थ क्लास में सीखना शुरू किया, लेकिन कोई बात नहीं, रेस लेट में स्टार्ट की है लेकिन फर्स्ट यही आने वाले हैं। 11वीं 12वीं तक इन्होंने हिंदी लैंग्वेज से ही पढ़ाई की, पूरा जो पढ़ाई थी वो हिंदी से ही थी। 12वीं के बाद इनको एडमिशन लेना था हायर डिग्री के लिए, इनको बीएससी करनी थी, ठीक है। तो अब बीएससी करने के लिए दिल्ली चले गए, क्योंकि एटा में कोई बहुत बड़ा कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज नहीं था, तो दिल्ली के हंसराज कॉलेज, क्योंकि इनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, ठीक है, तो हंसराज कॉलेज में ये कॉलेज फॉर्म लेने चले गए। तो वहां पे बताते हैं कि जब ये फॉर्म लेने गए तो जो फॉर्म दे रहा था, जो क्लर्क वहां पे बैठा हुआ था, इन्होंने बोला कि मुझे भी बीएससी में एडमिशन लेना है, मुझे भी फॉर्म चाहिए। तो वहां पे जो इंसान बैठा था, वो पहले इनको पूरा ऊपर से नीचे तक देखा, और उसके बाद वो बाहर आया, उठ के बाहर आया, अपनी जेब से 5 रुपए निकाले, बोला कि बेटा यहां से 303 बस जाती है, आईएसबीटी निकल जाओ, तुम्हारे लिए यहां पे कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, आईएसबीटी निकलो। काफी लोग खड़े थे, इतना ह्यूमिलिएशन, इतनी ज्यादा बेइज्जती, लेकिन तब भी ये इन्होंने हार नहीं मानी, ये डटे रहे, कोई बात नहीं, बेइज्जती हुई है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हंसराज कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, लेकिन इस देश के सबसे सर्वोच्च कॉलेज में मैं एडमिशन लूंगा, जो है आईआईटी। मटेरियल्स कहीं से इकट्ठा किए, इधर उधर से पैसा जमा करके आईआईटी के पढ़ाई की, जम के पढ़ाई की, और इस देश का सबसे बड़ा एग्जाम, 3-4 एग्जाम भारत में सबसे बड़े हैं, एक आईआईटी, एक कैट, यूपीएससी। तो आईआईटी इतना बड़ा एग्जाम इन्होंने आईआईटी क्रैक किया, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या जबरदस्त डेडिकेशन और क्या जबरदस्त डिटर्मिनेशन। आईआईटी में पढ़ने गई, आईआईटी रुड़की में इन्होंने पढ़ाई की, कॉलेज लाइफ अच्छी थी। लेकिन ये बताते हैं कि कॉलेज लाइफ में एक चीज तो है, डिफरेंस कैसा कि वहां पे जो बच्चे आ रहे थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो पहले से ही ट्रेन होके आ रहे थे, बहुत सारे आईएएस के बच्चे थे, आईपीएस के बच्चे थे, तो उनको जो हम यहां पे सीखेंगे वो ऑलरेडी वो सीख के आ रहे थे, तो ये फर्क तो पड़ता है। उसके बाद आईआईटी रुड़की में इन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया था, दोस्त बनाए, और वहां पे इनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, इनके दोस्त बने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे ये, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन्होंने की, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बड़े बड़े टास्क करते थे, बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखते थे, मैथ्स इनकी बहुत बढ़िया थी, बताते हैं मैथ्स मेरी बहुत अच्छी थी, तो बड़े बड़े प्रोग्राम्स को छोटी छोटी, मतलब उसमें 100 लाइंस में लिखना, पूरी वो बकायदा कोडिंग होती है, ये सब किया इन्होंने। उसके बाद इंजीनियरिंग पास की, और फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ इनके साथ जो जिसकी वजह से इन्होंने आईपीएस ज्वाइन की। दोस्तों एक वेब सीरीज आई है, मैं इनकी बायोग्राफी, मैंने वो वेब सीरीज देखी, इनका नाम तो मैंने बहुत पहले से सुना है, लेकिन मैंने जब वो वेब सीरीज देखी, इन्हीं की लाइफ पे ही है, मैं एकदम आई वॉज कंप्लीटली ब्लोन अवे, एंड दैट वेब सीरीज वॉज इनफैक्ट इज दैट वेब सीरीज इज भोकाल। कानपुर में बहुत ज्यादा इस वर्ड को यूज किया जाता है, भोकाल, जलवा, भोकाल वेब सीरीज, और काफी ज्यादा हिट भी हो रही है, अभी शायद 4-5 दिन उसको रिलीज हुए हैं, ठीक है, देखिएगा आप जरूर। तो वो 10 एपिसोड की वेब सीरीज वो इन्हीं पे ही है, इनकी लाइफ पे है, ठीक है, रियल लाइफ इवेंट्स इंस्पायर है कि कैसे मुजफ्फरनगर में उस समय कैसे क्राइम होता था और कैसे उस समय यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किया, तो वो मैं रिकमेंड करूंगा, वो आप जरूर देखें। तो यहां पे कुछ ऐसा इवेंट हुआ इनके साथ कि इन्होंने आईपीएस बनने का सोचा। कैसे, इनके जो पिताजी थे किसान थे, बहुत बड़े आदमी तो नहीं थे, लेकिन उस समाज में उनकी काफी इज्जत थी, ठीक है, लोग उनकी काफी इज्जत करते थे, उनको मानते थे। एक बार क्या हुआ कि इन्होंने जो इनके पिताजी की पूरी जमा पूंजी, ठीक है, उन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया और पूरी जो लाइफ में उन्होंने कमाया था, अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि जो भी उनको पैसा मिलता है, पेंशन वेंशन कुछ भी, वो सब जमा करके अपना घर खरीदते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनके पिताजी ने पूरा पैसा लिया और एक जमीन खरीदी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उस जमीन पे गुंडों का कब्जा हो गया, तो इनके पिताजी गए पुलिस स्टेशन, और तब इन्होंने इंजीनियरिंग पूरी की हुई थी, जस्ट इंजीनियरिंग करके निकले ही थे ये, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होके 22-23 साल के रहे होंगे उस समय सिकेरा। तो अपने पिताजी को ये पुलिस स्टेशन लेके गए। अब पुलिस वाला जो बैठा था काफी बड़ा अफसर था, ठीक है, बकायदा दोनों लोग बैठे, बाप बेटे बैठे, ठीक है, और यहां पे इनके पिताजी ने बोला बहुत ही प्यार से, बहुत ही पोलाइटली कि सर ऐसा है कि मेरी जो एक जमीन है और उस पे गुंडों ने कब्जा कर लिया है, तो मेरे पास पूरे पेपर्स हैं, और आप प्लीज बहुत ही अच्छे से शांत से बात की पुलिस वाले से। वैसे भी जो मिडिल क्लास है वो वैसे ही पुलिस वालों के पास जाने से डरता है कि पता नहीं कैसा बिहेवियर करेंगे, मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, कभी भी पुलिस वालों से नाता पड़ा नहीं था इनका। तो अब यहां पे उस पुलिस वाले ने पहले तो इनको थोड़ी देर देखा चुपचाप रह के, और उसके बाद पेपर लिए और इनके मुंह पे फेंक दिए, बहुत रूडली बात की कि निकलो यहां से, चलो भागो यहां से, कुछ नहीं है सब। उसके बाद अब बेटे के सामने अगर बाप की बेइज्जती हो रही है तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, बेटे को तो बहुत ज्यादा दर्द जो है वो होता है, बेटे और वैसे भी जो एक फादर और सन का रिलेशन होता है वो भले ही थोड़ा बहुत
एक रिस्पेक्ट होती है, लेकिन बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है। कभी भी कोई भी बेटा अपने बाप की, अपने माँ बाप की बेइज्जती, अपने पेरेंट्स की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इनके पिताजी ने बोला कि मेरा बेटा भी फर्स्ट क्लास इंजीनियर है, इस देश के सबसे बेहतरीन IIT, इस देश के सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशन से पढ़ा है, IIT से पढ़ा है। तो उस पुलिस वाले ने बोला ऐसे इंजीनियर ये मारे मारे फिरते हैं, कुछ नहीं होता है। तो बड़ा एकदम धक्का था ये। अब वहां पे सिकेरा का एकदम मूड खराब हो गया, ये घर गए और एक दो हफ्ते तक ऐसा बहुत ज्यादा खराब माहौल रहा। लेकिन इन्होंने एक बात नोटिस की कि इनके जो पिताजी की हेल्थ है वो बहुत जल्दी गिरने लगी है, क्योंकि इस बात का असर जो है इनके पिताजी पे बहुत गहरा हुआ था। और उसके बाद सिकेरा ने ये बोला कि पिताजी आप परेशान मत हो, मैं टेक्निकल फील्ड में भाई IIT से इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लाखों करोड़ों रुपए आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको 6 महीने में पैसा कमा के दूंगा, बट इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द इज्जत, इट्स अबाउट द रिस्पेक्ट एंड ऑनर एंड डिग्निटी दैट इज लॉस्ट। वो पिताजी की चली गई, वो कोई भी पैसा उसकी भरपाई कर ही नहीं सकती। पिताजी बार बार ये सोच रहे थे, तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा था करें तो करें क्या। फिर इन्होंने डिसाइड किया 4-5 दिन कि या तो मैं कुछ गलत कदम उठाऊं, लेकिन नहीं वो गलत होगा, तो बेहतर है कि मैं पुलिस की नौकरी करूंगा, पॉजिटिव वे में चीजों को सही करूंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि अगली बार कोई फरियादी आता है तो वो ऐसे खाली आता है जिसके साथ गलत व्यवहार ना हो। और उसके बाद इन्होंने UPSC की तैयारी की। अब जब इनका UPSC का रिजल्ट आया, यू वोंट बिलीव, IAS के लिए चुने गए थे ये, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसके लिए चुने गए थे ये। चाहते तो कलेक्टर बन जाते, कलेक्टर सबसे ऊपर होता है, IPS से भी ऊपर होता है, ठीक है, हालांकि दोनों को मिलाना नहीं चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली जो रियल पावर है वो DM के पास होती है, ठीक है। तो यहां पे चाहते तो IAS बन जाते, जिंदगी एकदम सवर जाती। और ये हाँ, ये मना रहे थे जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ कि इनको यूपी कैडर मिले, लेकिन ये आप मत समझिए कि कोई बदले की राजनीति के लिए, ना ना, इन्होंने चेंज के लिए पुलिस सर्विस को ज्वाइन किया। ये 1990s में हो रहा था, लेट 1980s में हो रहा था, एग्जैक्ट ईयर तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि एग्जैक्ट ईयर कहीं पे भी, तो ये लेट 1980s में हो रहा था। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि ये सारी जो चीजें हो रही थी ये सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए थी। अब उसके बाद जब ये IAS के लिए चुने गए, तब इन्होंने IAS नहीं लिया, इन्होंने IPS लिया, इंडियन पुलिस सर्विस ली, और उसके बाद इनकी पोस्टिंग हुई। कमाल का इनका काम था दोस्तों, शुरुआती में सपा की सरकार थी और इनको मुजफ्फरनगर में पोस्टिंग दी गई, ठीक है, हालांकि इससे पहले भी कई बार पोस्टिंग इनकी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद 5-6 साल सर्विस के बाद इनको मुजफ्फरनगर भेजा गया एज एन SSP, SSP बन के ये मुजफ्फरनगर गए। वैसे पुलिस में सबसे बड़ी पोस्ट जो है वो DGP की होती है, हायरार्की अगर आप देखें, ठीक है। तो SSP बन के गई मुजफ्फरनगर, उस समय क्राइम का अड्डा हुआ करता था, एक्सटॉर्शन होता था, दो तीन गैंग्स थे दोस्तों जो ये पूरा जो पूरा क्राइम क्राइम मतलब ये जो जो है ये ऑर्गेनाइज करते थे, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व थी, इसमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्व थे, हर कोई इन्वॉल्व था इसमें, पॉलिटिशियंस की पूरी बैकिंग थी। और मुजफ्फरनगर को ऐसे बांट लिया गया था कि ये पश्चिमी हिस्सा तुम्हारा, इसमें हम नहीं जाएंगे, ये पूर्वी हिस्सा हमारा, और किसी को भी दिन दहाड़े उठा लिया जाता था। गैंग्स चलते थे यहां पे और बड़े खतरनाक खतरनाक गैंग्स थे, कोई भी अगर इन गैंग्स की जो लीडर होता था उसकी गाड़ी को क्रॉस कर लेता था उसको जान से मार देते थे ये लोग, और बहुत ही ब्रूटल किलिंग्स, इतनी बुरी हालत थी। एक बार यहां पे सिकेरा ही बताते हैं कि लाशों को उठते हुए उन्होंने देखा है। एक बार क्या हुआ था कि एक किसानी था, ठीक है, और बहुत बड़ी उसके पास जमीन थी, अब उनका कोई लेना देना नहीं, कोई भी लेना देना नहीं किसी भी क्राइम से, कभी उनका कोई दुश्मन नहीं रहा, बच्चे पढ़ते थे उनके अलीगढ़ में, अलीगढ़ से छुट्टी मनाने के लिए आए थे, एक की शादी हुई थी, दोनों लड़कों को खाना खा रहे थे, पैसा मांगा नहीं दिया, दोनों लड़कों को खाना खाते खाते मार दिया। ऐसी बुरी हालत थी मुजफ्फरनगर में, कोई कुछ नहीं कर सकता था। एक ऐसा एरिया था जो मुजफ्फरनगर से बिल्कुल अलग था, किले टाइप का, पूरा किला बना रखा था, वहां पे हथियार ही हथियार भरे हुए थे, हमला नहीं कर सकते थे वहां पे, ऐसी हालत थी उस समय। तो तब इनको सिकेरा सर को भेजा गया, और उसके बाद जब यहां गए और जब इन्होंने चीजों को देखा कि इतनी बुरी हालत है, तब कुछ ना कुछ तो करना था, लेकिन कैसे करें, पॉलिटिकल प्रेशर, ऊपर से सीनियर्स का प्रेशर। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट जब अपनी पे आती है तो अच्छे अच्छों की बैंड बजा देती है। तो यहां पे एक दबंग SSP आ गया था,
हर किसी को बुलाया, अपनी पूरी की पूरी टीम तैयार की और एक एक क्रिमिनल को मारना शुरू किया, एनकाउंटर करना शुरू किया। और ये सब छटे हुए बदमाश थे, किसी के ऊपर 10 केस चल रहे हैं, किसी के ऊपर 30 केस, मर्डर केस, रेप केस, ये सब छटे हुए बदमाश थे और सबको पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया। उस समय मुजफ्फरनगर में यह हालत थी कि 16-17 साल के बच्चे जिनको पढ़ना चाहिए वो गुंडे हो जाते थे, उनके हाथ में बंदूक थी और वो मारने से बिल्कुल भी नहीं कतराते थे किसी को। तो वहां पे धर पकड़ शुरू की थी सिकेरा सर ने, और एक एक को पकड़ के जेल में डाला था, एक एक को पकड़ कर जो नहीं मारा था उसको सीधा ठोक दिया, सीधा गोली मार दी, एनकाउंटर 60 से ज्यादा। उस समय इन्होंने बहुत सारे एनकाउंटर किए थे, 40 से ज्यादा लोगों को मारा था, मतलब जो क्रिमिनल्स थे, जो गुंडे थे। और मुजफ्फरनगर बिल्कुल शांत पड़ गया था, इसमें बहुत पुलिस वालों की भी जान गई, बहुत पुलिस वाले मारे गए, फैमिलीज उजड़ी हैं पुलिस वालों की। और इन सब के पास, पुलिस के पास तो 3x3 नॉट की बंदूक जो कि सही से चलती भी नहीं है। इधर जो सामने वाली पार्टी थी, जो क्रिमिनल्स थे, उनके पास सब बहुत ही मॉडर्नाइज हथियार, लेकिन उसके बावजूद ये 3x3 बंदूक से सब खत्म कर दिया था यहां पे सिकेरा सर ने। उसके बाद दोस्तों इनकी पोस्टिंग मेरठ में हो, मेरठ में भी है, जहां पे सिकेरा सर गए वहां पे कमाल कमाली कर दिया। यहां पे जहां पे सिकेरा सर गए वहां पे लोग इतना ज्यादा इनको प्यार करने लगे थे कि मेरठ में तो जब इनको ट्रांसफर किया गया था, इनका वैसे बहुत कम ट्रांसफर हुआ है, जब मेरठ से इनको ट्रांसफर किया गया तो बकायदा लोगों ने पोस्टर लगवा दिए थे, हिंदू ने भी, मुस्लिम्स ने भी, जितने भी कम्युनिटी सब पोस्टर लगवा दिए थे कि इनको वापस लेके आओ, क्राइम को ही साफ कर दिया, गुंडे अपनी अपने इलाकों को बदल लेते। अब सोचिए आईआईटी के इंजीनियर है ये, मतलब एक इंसान जो इतना पढ़ाई में डूबा रहता है। और यहां पे ये बताते हैं कि इसका रीजन क्या था, कोई बड़ा कदम एक इमोशनल इंसान ही ले सकता है, और ये बताते कि मैं बहुत इमोशनल हूं, मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल हूं। जब मैंने देखा कि लोगों के परिवारों परिवार में लोगों की जाने जा रही हैं, किसी का जवान बेटा मर रहा है, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, बताई थी बात, उसमें क्या था कि जो बाप था, दो उसके बड़े जवान बेटे मारे गए और वो अपने जवान बेटे की अर्थी उठा रहा था, तो जब मैंने ये सारी चीजें देखी मेरी रूह कांप गई, अंदर से मैं कांप गया कि ये हो क्या रहा है, यहां पे परिवारों में लोगों को मारा जा रहा है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तब मैंने ये बड़ा कदम उठाया कि जो करना है कर लो, जिसको जो करना है। और यहां पे सपा गवर्नमेंट ने साथ दिया इनका, ये बताते हैं, बसपा से थोड़ी इनकी नहीं बनी, लेकिन सपा गवर्नमेंट, उस समय सपा सरकार थी, 1990s की बात हो रही है दोस्तों, 1996 के जो पीरियड था उसी समय की, तो सपा गवर्नमेंट थी उस समय, तो सपा गवर्नमेंट ने इनका साथ दिया। लेकिन बसपा की जब सरकार आई तो इनके बहुत ज्यादा, मतलब इनसे ऐसा बोला जाता है, लेकिन ये तो सारी बातों को डिनाई करते हैं कि मेरा इतना ट्रांसफर नहीं हुआ है। फिर ये वाराणसी में भी आए, लखनऊ में भी रहे, आईजी रहे लखनऊ, जो 1090 जो शुरू किया है वो इन्होंने ही तो शुरू किया है, इन्हीं का ही पहल है। औरतों के लिए बहुत काम किया, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, बताते हैं कि जो इस तरीके के हैरेसमेंट होता है, चाहे वो परिवार में हो रहा हो, चाहे वो पब्लिक प्लेस पे हो रहा हो, लड़कियां चुप रह जाती हैं और परिवार भी उनको चुप रहने को बोलता है ताकि उनका नाम जो है वो पब्लिक ना हो, उछले ना, वरना शादी कौन करेगा उनसे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ये क्राइम करते हैं, जो असॉल्ट, जो सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं, जो लड़कियों को छेड़ते हैं और लड़कियां कुछ नहीं बोलते हैं, उनका परिवार उनको चुप रहने के लिए कहता है, तो इनका मनोबल बढ़ता जाता है। और होता क्या है, अल्टीमेटली इट लीड्स टू बहुत बड़ा क्राइम, बिग क्राइम, बहुत बड़ा उनके साथ कोई घटना हो जाती है। तो ये नहीं होना है, 1090 पे आप कॉल करिए, 1090 पे आप सारी चीजें बताइए, पुलिस आपकी मदद करेगी। और बहुत सारे केसेस सिकेरा सर ने खुद सॉल्व किए यहां पे, ठीक है। तो एक सुपर कॉप इनको बोला जाता है, ये जो उपाधि दी गई ना सुपर कॉप मीडिया द्वारा, ये बिल्कुल सही दी गई है, ठीक है। था रमेश कालिया का एनकाउंटर भी दोस्तों बहुत फेमस है, रमेश कालिया की कहानी, एक भू माफिया था, माफियाओं का बहुत ज्यादा राज्य था, श्री प्रकाश शुक्ला हो गए, उनका भी एनकाउंटर, और उसके बाद ये रमेश कालिया, रमेश कालिया का भी एनकाउंटर सिकेरा सर ने ही किया था। ये बहुत बड़ा, काफी बड़ा गुंडा था ये, और लोग कांपते थे, किसी को भी मार देता था राह चलते, और जैसे ही पुलिस को देखता था तुरंत फायरिंग कर देता था, डरते थे लोग, जमीनों पे अख्तियार करता था एक्सटॉर्शन, मतलब जमीनों पे अपना कब्जा जमाता था, एक्सटॉर्शन, किडनैप करके पैसे मांगता था, फिरौती मांगता था। तो जब इसका दबदबा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तब पुलिस ने बोला कि कुछ तो करना पड़ेगा, वरना तो कल को ये पॉलिटिशियंस को मारने लगेगा, जैसे श्री प्रकाश शुक्ला के साथ होता, श्री प्रकाश शुक्ला ने तो चीफ मिनिस्टर की सुपारी ले ली थी, है ना। तो यहां पे दोस्तों हुआ क्या कि बकायदा पूरा प्लान बनाया गया। एक बार एक बिल्डर से रमेश कालिया ने 5 लाख रुपए मांगे, वो बिल्डर पुलिस के पास गया, सिकेरा सर ने बोला कोई बात नहीं, 5 लाख रुपए मांगे, तुम जाओ जहां पे वो बता रहा है वहां पे जाओ। उन्नाव के पास वो जगह थी दोस्तों,
उन्नाव के पास ये जो बिल्डर है वो गया। सिकेरा सर अपनी पूरी पुलिस फोर्स लेके गए, लेकिन पुलिस फोर्स बारातियों के भेष में थी। अगर ऐसे ही पुलिस जाती तो भाग निकलता वो रमेश कालिया, फायरिंग कर देता, ऑपरेशन कालिया जिसको नाम दिया गया। लेकिन बकायदा बाराती बन के गए ताकि पता ना चले, और बाराती बन के गए, बैंड अपनी बारात का नहीं रमेश कालिया का बचा दिया, रमेश कालिया और उसकी गैंग को वहीं खत्म कर दिया। बहुत ही फेमस एनकाउंटर है दोस्तों ये। इस तरीके से मारते थे, क्राइम का सफाया करते थे ये बोलते हैं कि मैंने जो हो सकता है पुलिस की सर्विस में रहते हुए मैंने कुछ गलतियां की हो, लेकिन आज तक किसी भी इंसान के साथ मैंने गलत नहीं किया, मैंने सारी चीजें, मैं एथिकल रहा हूं पूरी जिंदगी। और तभी इनकी हर जगह तारीफ होती है दोस्तों, लोग इन पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। और अब तो बहुत सारे मोटिवेशन लेक्चर देते हैं, इंस्पायरिंग इंस्पिरेशन है ये, बताते हैं आपके एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करो, बताते हैं कि कैसे परेशान ना रहो, और एक चीज और बताते हैं कि कभी भी मार्क्स डिसाइड नहीं करते कि आप क्या बनेंगे। ये एक रिसर्च का एग्जाम्पल देते हैं कि जब 15 सक्सेसफुल लोगों पर रिसर्च की गई अमेरिका के तो उसमें यह पता लगा कि सबके सब बहुत ज्यादा उनके मार्क्स नहीं है। ये बताते हैं कि पास होने से ज्यादा फेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, फेल तो होना ही चाहिए, कोशिश करते रहो, हारो नहीं, डिप्रेशन में मत जाओ, जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, कोशिश करते रहो और डेफिनेटली एक दिन आपके साथ अच्छा होगा ही होगा, बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो ये कहानी थी सिकेरा सर की, आई होप आपको पसंद आई होगी, वेब सीरीज जरूर देखिएगा, कमाल की है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।